हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जिस टाइम पे भी आप देख रहे हो उस टाइम पे एडजस्ट कर लेना कि भाई क्लास थोड़ी लेट हो जाएगी, क्योंकि एक्चुअली ना प्रॉब्लम ये हो गई हमारे हॉस्टल में। वाईफाई जो है ना उसमें कोई टेक्निकल इशू आ रहा है। आई डोंट नो क्या हुआ है, पर पूरे हॉस्टल का वाईफाई नहीं चल रहा, ठीक है। और मेरा भी नेट नहीं चल रहा है, या नेट मेरा जो मेरा नेट है वो डेटा ख़त्म हो चुका है, ठीक है। सो थोड़ा मैनेज कर लेना, हो जाता है लेट पहुँचे क्लास, क्योंकि मैंने पूछा था भैया से तो बोल रहे थे इसमें टाइम लग जाएगा रिकवरी में, कुछ इशू हुआ है अच्छा खासे। तो ये क्लास जिस टाइम पर पहुँचे उस टाइम पर एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा, ठीक है। और हो जाता है ये एक दिन डिले हो जाए, क्योंकि जिस दिन टेस्ट हो रहा था उस दिन पहुँचे, ठीक है। वैसे मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि रात तक अब तक पहुँच जाए, तो रात तक मैं ये चीज़ें देख लेना, ठीक है। कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कॉल मैसेज कर देना। कुछ डाउट्स थे जो बच्चों ने मेरे से पूछे थे, ठीक है, जिन जिन के मैसेज आए थे मेरे पास, मैं उनके डाउट क्लियर कर रहा हूँ मैं। कि एक हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, ठीक है, पहले तो मैं आपको वो क्लियर कर देता हूँ। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था लिविंग नॉन लिविंग के बारे में, ठीक है। लिविंग में अब हमें पता चल गया है कि कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और डिफाइनिंग फीचर्स होते हैं, ठीक है। दो कैटेगरी में हमारी डिवाइडेड है, ठीक है। लिविंग में यूनिक चीज़ क्या है, कि उसमें कॉमन उसकी जो चीज़ें हैं वो उसमें क्या क्या यूनिक चीज़ है, कि वो अलग कैसे नॉन लिविंग से, ठीक है। ये बात हमने करी थी, ठीक है। इसमें हमने पढ़ा था कुछ कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि साइंटिस्ट हमेशा क्या पढ़ते हैं, हमारे कैरेक्टर्स, कौन कौन से कैरेक्टर्स, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सेंसिटिविटी, ठीक है। ये तो एक्सटर्नल हो गए। फिर इंटरनल फीचर्स की बात करी थी हमने। इंटरनल फीचर्स में हमारे क्या क्या था, मेटाबॉलिज्म, रेप्लिकेशन, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, एंड फोर्थ इज इंट्रैक्शन प्लस इवॉल्वमेंट, ठीक है। दो टाइप के हमारी टर्म यूज़ होती है, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एंड डिफाइनिंग फीचर्स। मैंने आपको क्लियर करा था कि बेटा मैंने क्या बोला था क्लास में, अपनी लास्ट क्लास में, जिन बच्चों को इस पर डाउट आ रहा था, कि बेटा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स वो होते हैं जिसमें मतलब कि हमें डाउट होता है, जिसमें हमें 100% श्योरिटी नहीं होती, मतलब वो बात हमारी कन्फर्म नहीं है। जैसे वो होती है ना कि कोई खबर आई है लेकिन पक्की नहीं है, ठीक है। जैसे कभी कभी होता है स्कूल में कि जब तुम अपने प्रेयर ग्राउंड में पहुँचते हो तो तुम्हें पता चलता है छुट्टी है, ठीक है, छुट्टी होने होगी कल की, बट वो जब तक किसी टीचर से पता नहीं चलता, जब तक वो क्या होती है हमारी अनश्योर बात होती है, मतलब कि वो हमारी डाउटेबल बात होती है, मतलब कि डाउट होता है उस चीज़ पर। तो वो कौन क्या हुआ हमारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर। अब कि कोई तुमसे टीचर बोल रहा है कि हाँ जी हाँ कल की पक्की छुट्टी है, तो ये क्या हुआ डिफाइनिंग फीचर, कि इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं बचा। जिस चीज़ में एक्सेप्शन नहीं हो वो क्या होता है डिफाइनिंग फीचर, ठीक है। अब मैं किसी की फॉर एग्जाम्पल वो बोलूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल श्रेया है, श्रेया ने कल मुझे फॉर्म सबमिट करा था, उसकी एज मुझे 100% श्योर है कि उसने अपनी एज 20 इस टाइम पे करंटली वो 20 ईयर्स की, ठीक है। ओ सॉरी, वैसे किसी लड़की की एज रिवील नहीं करनी चाहिए, वैसे ही बहुत प्रॉब्लम होती है, बट मैं फिर भी एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, डोंट माइंड, ठीक है। श्रेया हम किसी को भी ले सकते हैं, ठीक है। बट अभी हमारी कोचिंग की एक बच्ची है, अच्छी बच्ची है, तो मैं उसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। उसकी एज 20 है, तो ये डिफाइनिंग है, इसमें कोई मुझे डाउट चीज़ नहीं है। मेरे से कोई पूछा तो मैं पक्का बता दूंगा कि हाँ जी 20 है इसकी, ठीक है। अब मैं बोलूँ हो जाता है 20 की होगी वो, 20 की होगी वो, ये क्या होगा, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा, क्योंकि इसमें एक्सेप्शन आ गया, ठीक है। हमने इसमें क्या क्या पढ़ना होता है, लिविंग के बारे में क्या पांच हमने चीज़ें पढ़नी होती है, ठीक है। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस, मेटाबॉलिज्म, ठीक है। और ये चार टॉपिक हमारे ऐसे होते हैं जिससे हमें ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं, उसको लीविंग है, ठीक है। फिर क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं हमारे, कि क्वेश्चन ये पूछा जाएगा नीट में कि इन चारों में से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है और कौन सा डिफाइनिंग है, ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया था, ठीक है। कॉन्शियसनेस हमारे क्या था, डिफाइनिंग फीचर था, ठीक है। रिप्रोडक्शन और ग्रोथ क्या था, हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर था। और मेटाबॉलिज्म क्या था, हमारा डिफाइनिंग फीचर था। मेटाबॉलिज्म किस में होता है बेटा, लीविंग में होगा। मेटाबॉलिज्म है क्या, मेरा क्वेश्चन आपसे, मेटाबॉलिज्म है क्या। मेटाबॉलिज्म बेटा एक केमिकल रिएक्शन होती है जो हमारी इनसाइड दी बॉडी होती है, इनसाइड दी बॉडी होती है। और एक क्वेश्चन और पूछा था मेरे से बच्चे ने कि सर हम लैब में भी तो रिएक्शंस कराते हैं, तो वो तो आउटसाइड दी बॉडी हुई। जैसे सर हम टेस्ट कराते हैं, अपना ब्लड टेस्ट करा रहे हैं, ये सारी चीज़ें करा रहे हैं, ठीक है, ये भी एक वो है। तो उसका भी आंसर ये था कि बेटा ये चीज़ जो हमारी इनसाइड दी बॉडी हो रही है, हम क्या है, लीविंग है, ठीक है। जो हम खाना खाते हैं, ग्लूकोज और एमिनो एसिड, फैटी एसिड्स वगैरह, ये सारे प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, इसमें टूटती है रिएक्शंस। मैंने बताया भी था, कल एग्जांपल दिया था मेटाबॉलिज्म का, क्या रिएक्शन है, कौन कौन सी रिएक्शन होती है। एक हमारी कैटाबॉलिज्म रिएक्शन होती है, एक हमारी एनाबॉलिज्म होती है। कैटाबॉलिज्म ब्रेक डाउन, एनाबॉलिज्म एड अप होना, ठीक है। ये सारी रिएक्शन मैं आपको प्लांट फिजियो में पढ़ाऊंगा, ठीक है।
तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, सम टोटल ऑफ ऑल रिएक्शन इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म हुआ किस में रहा है, नॉन लिविंग में तो होगा नहीं क्योंकि वो तो उनमें तो कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं, लिविंग में होता है, ठीक है, यानी कि हमारे अंदर हो रहा है, इनसाइड दी बॉडी हो रहा है, हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है, ये सारी रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर हो रही है। अब तुम लैब टेस्ट में करा, लैब में लेके जा रहे हो उसका टेस्ट कराने के लिए, तो वो क्या हो रहा है, वो भी तो तुम लिविंग के अंदर से तो करा रहे हो, तो बेटा इसमें एक्सेप्शन नहीं है, पक्का 100% डिफाइनिंग फीचर है, ठीक है, कि ये सिर्फ लिविंग में होता है, एक ही में है, नॉन लिविंग में भी होता तो जब ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता हमारा, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका डाउट क्लियर हुआ है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मेरे से बच्चे ने पूछा था, सर कॉन्शियसनेस का मतलब आपने बताया सडन रेस्पॉन्स, जो हम रेस्पॉन्स करते हैं, जैसे कोई आपके रूम में एंटर हो रहा है एकदम से आप उठ के देखोगे, ठीक है, कोई चीज़ गिरी जमीन पर आप पलट कर देखोगे, ये सारे क्या है, कॉन्शियसनेस है, ठीक है, अपने आप को अवेयरनेस है, ठीक है। अब ये जो चीज़ है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते, शो करते हैं कॉन्शियसनेस, जितने भी हमारे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जो मतलब कि लिविंग है उनमें कॉन्शियसनेस होती है, हम में, आप में, दोनों में, सब में। अभी मैं आपको कुछ बोल दूँ, ठीक है, आपको बुरा लगेगा, आपका ईगो हर्ट होगा, तो ये सब क्या है, कॉन्शियसनेस है कि अपने आप को लेके होता है। आप किसी पार्टी वार्टी में जाते हो तो आपको हमेशा ही रहता है कि भाई मैं सबसे अच्छा लगूँ, मेरी सारी में तारीफ हो, ये हो, वो, ये सब क्या है बेटा, कॉन्शियसनेस है, ठीक है। अब मेरे से बच्चे ने बोला कि सर ये तो लिविंग के लिए एप्लीकेबल है, मैंने आ बेटा लिविंग के लिए एप्लीकेबल है, बोले सर नॉन लिविंग में तो है नहीं, ये बात तो क्लियर है, वही डिफाइनिंग फीचर तो मैंने इसे मान लिया, बट मेरे दिमाग में एक केस ये आया कि सर जो कोमा में पेशेंट होता है वो उसके वो भी कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है वो, तो क्वेश्चन उसका अच्छा था 2 सेकंड के लिए तो मेरा भी दिमाग घूमा, और ऐसा क्वेश्चन एम्स में आया भी है, वो मुझे याद आया, तो मैंने उसको बताया कि बेटा जो कॉन्शियसनेस होती है वो सिर्फ यही नहीं होती, हमारी कॉन्शियसनेस वो कैसे, वो पेशेंट भी कॉन्शियस है, जो कोमा में है वो पेशेंट वो भी कॉन्शियस है। अब वो बोला, बोले सर उसका तो ब्रेन डेड हो जाता है तो वो तो कोई रेस्पॉन्स नहीं करता, कुछ ऐसा वो नहीं करता, बट अगर आप लोग उसके पास जाओ और कोई उसका इमोशनल सीन मतलब कि कोई उसका फैमिली मेम्बर जाता है या कुछ भी, तो कभी कभी देखो आपने फिल्मों में भी दिखाते हैं किसी के ऐसे किसी के रिलेटिव वगैरह में भी कोई अगर होगा, तो टच वुड ऐसा नहीं हो, बट अगर है तो आप लोगों को एक्सपीरियंस होगा कि जब आपकी फैमिली मेम्बर कोई उसके पास जाता है या कोई भी एक्स वाई जेड जो उसके बहुत करीबी होता है उससे बातचीत करता है तो उसके आंसू निकल आते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ होता है, तो ये भी एक क्या है, रेस्पॉन्स ही है, तो ये भी क्या होता है बेटा, जो कोमा में पेशेंट होता है वो भी कॉन्शियस होता है, उसे वो हाथ पैरों से वो मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, बट वो इन रियलिटी क्या है कि वो उस टाइम पे क्या है, वो रेस्पॉन्स नहीं कर रहा तुम्हें लग रहा है, बट वो सुन तो रहा होता है चीज़ें, ठीक है, सारी चीज़ें उससे पता होती हैं आसपास में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ठीक है, और फिर वो डिपेंड भी करता है कितना वो कोमा में, किस हिसाब से, ठीक है, कहाँ तक वो हुआ है, ठीक है, सॉरी, तो जो कोमा में पेशेंट होता है बेटा वो इमोशनली तो फिर भी वो एक्टिव होता है, तो इसलिए कि वो भी रेस्पॉन्स है एक तरीके का, वो रो रहा है तो वो भी एक रेस्पॉन्स ही है, ठीक है, तो वो क्या, वो भी कॉन्शियस है बेटा। अगर एक क्वेश्चन आता है तो आप इसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। आज की क्लास हमारी क्या थी बेटा, आज की क्लास का टॉपिक था हमारी डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। डाइवर्सिटी का मीनिंग क्या होता है, डाइवर्सिटी, अब देखो एक कहानी के थ्रू मैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा, फिर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी, अब मेरी बात सुनो, सारे सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए, सारी बातें छोड़ दो, घर में क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, सब इधर देखो, ठीक है बेटा। जब मतलब कि स्टार्टिंग हुई थी, साइंस आई भी नहीं थी, जब लोग रह रहे थे आज से कई सालों, 100 साल पहले, तो जब तो ऐसा कोई सीन था नहीं, ठीक है, ना टर्म्स पता थी, ना आज हमें पता है इसकी टर्म्स ये होती है, ठीक है, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड हम बोल रहे हैं, इससे पहले कुछ नहीं पता था हमें, ठीक है, बिल्कुल बेसिक पे जीरो लेवल पर लेके जा रहा हूँ, और उसके बाद फिर हम आएंगे कैसे हमारा डेवलपमेंट हुआ, कैसे हमारी ग्रोथ हुई है हमारी साइंस फील्ड में, ठीक है। तो बेटा ऐसा होता है, देखो बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी नाम से क्लियर है, बायो आ गया, ठीक है। डाइवर्सिटी का मीनिंग क्या होता है, पहले तो ये लिख लो, डाइवर्सिटी मीन्स होता है वेरिएशंस, डाइवर्सिटी मीन्स वेरिएशन। सब अगर बायो पढ़नी है सबसे आसान तरीका है बेटा, वर्ड मीनिंग को ब्रेक करना स्टार्ट कर दो, अगर तुम वर्ड मीनिंग को ब्रेक कर रहे हो तो तुम कामयाब हो, डाइवर्सिटी मीन्स होता है वेरिएशन, ठीक है। वेरिएशन, वेरिएशन क्या होता है, देखो हम सब हैं तो ह्यूमन बीइंग, ठीक है, ऊपर वाले ने हमें सबने सेम ही बनाया, मेरे पास भी आँखें हैं आपके पास भी आँखें हैं माशाल्लाह, मेरे पास नोज़ है आपके पास नोज़ है, मेरे पास हाथ है आपके पास भी हाथ है, ठीक है, मेरे मेरा ये शेप है आपके पास भी आपके मुंह का शेप है, ठीक है, मेरा कलर ऐसा आपका कलर भी है, ठीक है, बाल भी हैं, सब कुछ है, सब हमारे में सेम है, लेकिन
कोई भी एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो बिल्कुल सिमिलर कॉपी होता है, ठीक है। मैं ट्विंस की बात नहीं कर रहा, ठीक है, और ट्विंस में भी इतना नहीं होता, ठीक है, कुछ उसमें भी एक्सेप्शन रह जाते हैं, ठीक है। तो कोई भी बिल्कुल सिमिलर नहीं है, ऑर्गन तो सब में सेम है हमारे, जैसे मेरे पास हाथ पैर मुंह है ऐसे आपके पास भी है, तो हम सबका शेप साइज तो सब एक जैसा दिखना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है। ये चेयर है, ठीक है, इस चेयर की प्रोडक्शन बिल्कुल सेम होती है, जैसे ये चेयर है वैसे दूसरी चेयर है, और सारी चेयर सेम होती है, ठीक है, ऐसे हमारी प्रोडक्शन भी तो सेम होनी चाहिए, बट हम में क्या है वेरिएशन। वेरिएशन मतलब क्या होता है कि अलग अलग होना, मतलब कि चीज़ों का अलग अलग होना, ठीक है। तो वेरिएशन देखो हमारे अंदर भी है और सब लोगों में भी है, ठीक है। जैसे वेरिएशन ये भी है हमारी प्लांट्स में, वेरिएशन है, हजारों टाइप के फ्लावर्स होते हैं। बेटा 1 मिनट रुकना,